एक बार मैं यहाँ और आई थी आपको याद है सर, 4 साल पहले जब मैं शुरुआत की थी गाने के लिए, गाने ही नहीं थी मतलब कुछ भी नहीं, इस मंच में जब मैं आती थी उस दिन भी कोहरा पड़ा था और यहाँ पहुंची इस बार। उस दिन में क्या अंतर आपकी? उस दिन आप खुद कह रहे हैं कि गा नहीं पा रही थी, लेकिन उस दिन के बाद कुरान वालों ने इतना आशीर्वाद दिया कि आज झकझोर के इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत असर पड़ा है। और राजीव तिवारी जी हैं मंडल अध्यक्ष भाजपा अयोध्या कुशलपुर से, हम उनके हृदय से आभार प्रकट करते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार और ये भगवान का है भाई, हाँ बता दे कहीं से आ कि जब तू हंसे तब गई में घा हो जा। हर के तना जाने के काम तमाम हो भाई, कुछ गाना गुनगुनाओ वाला भी होके कराए कि सर्वा कोरोना को फिर आ जाए कोनो ठीक हो। केतना जाने तो सफर गई नहीं रही, बहुत से पैसे लगे लेकिन ऑक्सीजन की कमी में सब गुजर गए। सही बात है। और ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ से है? ये पेड़ों से ही तो मिलता। अभी मैं उसके लिए भी सुनाऊंगा, मैंने अक्सर जो है वन विभाग के निर्देश पर एक गाना बनाया कि पेड़ धरा का गहना है पेड़ लगा के रहना है। जब हमारे एसपी साहब ने कहा, रामबद्र सिंह साहब ने कि राज्य ट्रैफिक नियम के लिए भी बनाओ, तो मैंने एक गाना बनाया कि तेज रफ्तार को चलाए वो सरकार, घर में जो हद हुई है तुम्हारा पूरा परिवार। और मैं खुशी है कि राजेश परदेसी जैसे छोटे से कलाकार के साथ भी पुलिस विभाग के जिले के सबसे बड़े अफसर में एक्टिंग की मेरे साथ, सीओ साहब को लगाया, एसपी साहब, थाना अध्यक्ष, सारे लोगों ने उस गाने में मेरे साथ वीडियो में शूटिंग में सहयोग किया। कभी वो भी बहुत से गाने सुनाएंगे, लेकिन अब जब मतरी में काम हो ही गया है तो एक गाना हर के तना जाने के काम तमाम हो। हर हर तुहरे चक्कर में परदेसियों के भी नियत खा दिला दिला दी उठाने से अच्छा, और तुहरे लाली उठाने। मैं समझ नहीं पा रहा कभी हमें देख रहे पीछे भाई, अगर आपको देख रहे आप जो निकी इतनी खिंचाई की है इसलिए आपको कब से देख रहे हैं भाई। मौका पाए आपको भी नहीं छोड़े, देख लीजिए भैया यही है भाई। मैं खिंचाई किसी का नहीं करता, बस सत्य ये है कि सेब सोया तो ये मतलब ये कि जंगल खाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं उनको इतना शांत बैठा देखकर ये मत सोचिए कि वो बहुत शांत है। अभी आप ही ने कहा कि शेर सोया इसका मतलब जंगल ये खाली है। जितना आपको देखेंगे उतना मैं भी देखूंगा भाई साहब बराबर। सचिन भैया भाई ये जितना इनको देखेंगे मैं उतना उनको देखूंगा, ताकि हिसाब किताब कहीं से खाने। राजेश भैया इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जितना देखेंगे आप उतना देखेंगे, सारा मेरा क्या होगा? आपको आलोचक हो आप हम चारों को देखिए। वैसे बात तो पते की नहीं है, इधर बता दो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सही बात है, हम तो सबको बुला रहे हैं, इतना प्यारे आयोजक चलो बात नहीं हो बिल्कुल। देखिए भाई प्यार ही प्यार मोती हर प्यार सोना हो प्यार चांदी हर प्यार अगर दिल से होके प्यार गंगा मैया के पान पानी नीयत साफ होनी चाहिए। जैसे पत्रकारों ने मोदी जी से पूछा कि आपकी नीयत क्या है, उन्होंने कहा कि पाक साफ, भाई उन्होंने कहा कि मेरी नीयत पाक साफ है। अब आगे की बात मैं चाहे कहूँ भाई समझदार श्रोता हूँ, जब पाक साफ है तो उसके बाद फिर सब कुछ माफ है। लाली लाली हो ठहरा से, अरे तुम्हारे लाली हो ठहरा से,
बरसे लाला भैया और इतना मत देना हमसे रिचार्ज कर दे सुरक्षा के दृष्टि से मैं हर चीज का पालन करता हूँ। मैं तो बढ़ा नहीं पाऊंगा। देखिए भाई महिला फर्स्ट है, ठीक है। अब आराम आप गाइए मेरे आराम की जितना मैं गा रही हूँ। मुझे क्या है कि मुझे मैं तो हर जोत गवैया मैंने तो कहा कि मैं जो है छुट्टी साइकिल से शुरुआत किया था आज हवाई जहाज तक पहुंचा हूँ। कहीं ना कहीं आप सबका प्यार माता की कृपा मुझे तो 77 माइक भी दे देंगे तो भी मैं गाऊँ। लेकिन अगर आपको कहीं से दिक्कत हो जाएगी तो आप कहेंगे कि परदेशी भैया लगता है कि आपने सेटिंग कर रखा था क्या अपनी माइक पे जो हमारी कोई बड़ी बात है क्या ये लाली लाली हो भावा से तुहरे लाली हो भावा से अरे पर से लाला भैया हो ये हो दासी चुरा जैसे आवा के मोटारा तेरा चुतिया तू दासी चुरा जैसे आवा के मोटारा तेरा चुतिया तू दासी चुरा जैसे हीरा निकल रहा हो, इतना खूबसूरत भगवान ने बनाया।
और जितना खूबसूरत बनाया है उतना खूबसूरत आप संचालन भी करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जो आदमी जितना रहता है दो तीन दिन जिम्मेदारियाँ हस्ती निभाया और गला बैठ जाता है, कभी कभी हम भी कहीं कहीं जगह से परेशान हो जाते हैं, तो बहुत दिन लकड़ी में आना पड़ता है। बहुत से कलाकार से लाया को सजाया होगा, देख के दिल मेरा बोले अरे भाई तुम सच से ऊपर वाले बनाया होगा। इनू का मतलब नहीं समझते हैं क्या समझता है, इनू का मतलब जरा ये बताइए कहाँ कहाँ क्यों करता है इनू, इनू का मतलब अरे हमारे में काम जो टूटे में ना बाकी हम के पहले भी आए लोग। अच्छा इनके लिए आप लोग नहीं बोलेंगे? मेरे मंचों पे लोग सुनने भले मुझे आते हैं लेकिन देखने आप ही को आते हैं। मेरे साथ अक्सर ही देखा गया है लोग कहेंगे परदेशी का गाना सुनेंगे लेकिन क्या अमित भाई भी मुझे कौन देख रहे हैं, इधर ढेर देख रहे हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि भौजी को वहीं के देखा था। बड़े अच्छे कलाकार है, बड़ा स्नेह बड़ा प्यार रहता है, यदि मैं जब आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है मोरे मन की मैना हम तो है दिल के तोता तेरी पागल दिल दीवाना जल्दी कहीं होता होता साथी साथ हो न छूते साथिया जब से आया ये समझ लीजिए आपको एकदम टारगेट किए ना, हम समझ रहे इसीलिए हम आपके पक्ष में है, आप परेशान मत होइए। मेरी छोटी बहन की सवाल क्या बात है, अब आप मेरे बगल में हैं तो दूसरे को देखने की क्या जरूरत है। पहले तो जान लीजिए कि मैं पीछे कभी नहीं पढ़ता, ये पीछे ऊंचे वाला मत, जब मुख्यमंत्री जी भी आए हमारे यहाँ तो जब मेरा कार्यक्रम करके सामने कहा कि होगा तो हमने कहा कि उस मंच पे मैं नहीं गाऊंगा, मुझे उस मंच की जगह में न खोना होगा, तो कहें का पास करवा उस मंच पर भी जाए, तो मैं मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई मैं आगे पढ़ूँ पीछे न पढ़ूँ। आगे हो जाए पुरस्कार हम तो है छूटे साथिया
Thank you.